अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे विवास, तो कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। जो मेरे बहन भाई दुख और तकलीफ में हैं, अल्लाह ताला उनकी दुख और तकलीफ को जो है दूर करे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे, जो बाहर है उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो विवास माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से जिस दिन का इंतजार था, तो इस पूरे माह रमजान बच्चों ने इस दिन का इंतजार रखा। बहुत ही खुशी से महफिल जो है तैयार हो गई है, सजना मेहमान आने लग गए हैं काफी सारे। छोटी अफतारी नहीं है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अफतारी है। आप सबके लिए बहुत सारी दुआ कराएंगे। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजे, जिनके घरों में दुख तकलीफ है अल्लाह पाक आज के दिन सबकी दुख तकलीफ दूर फरमाए, जिनके घरों में रिज्क नहीं है अल्लाह पाक आज के दिन सबकी रिज्क में बरकत डाले, अल्लाह पाक सबकी दिलों की मुरादें पूरी करे, अल्लाह पाक सबको दे। तो आप सबके लिए आज बहुत सारी दुआ करेंगे रोजे के साथ, जितने भी आज हाथ उठाएंगे ना सबके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। मर्दों के लिए जो है बाहर जगह बना दी है, मियां साहब जो है काफी सारे मेहमान आए हुए हैं उधर सेटअप कर रहे हैं, हम जो है अफतारी का सामान बना रहे हैं, फ्रूट जो है अभी आमना जो है बना रही है अफतारी का सामान इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से। आप सबके लिए आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, जिसने भी इसमें हिस्सा मिलाया है ना अल्लाह पाक ना उसको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह पाक उनके रिज़्क में बरकत डाले, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे विवाह, तो कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप खैर करिए, ऐसे होंगे हम भी ठीक है। तो विवाह आज ना हम हमारे घर बड़ी अफतारी है, जो जितने भी बंदे आएंगे हम उनको खाना खिलाएंगे और बाहर जो है देंगे पकड़िए, अंदर ना हम फल फ्रूट बना रहे हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अभी जो है फ्रूट अफतारी के लिए तैयार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खजूर है क्योंकि पहले अफतारी कराएंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर जो है खाना खाएंगे। अफतारी का सामान तो रेडी हो गया है, फ्रूट मैंने काट लिए हैं, अभी रोजे में कुछ मिनट बाकी रहते हैं, मैं ये प्लेटें आ जाए ये भी बना लेती हूँ। हम वीडियो इसलिए नहीं बना सके पहले जो है अफतारी की, अफतारी के बाद जो है जो हमारे घर में मिस्त्री काम कर रहा था ना उसकी बेटी जो है फोत हो गई, हमारे लिए बहुत ही बड़ा मसला हो गया। फिर हम उनके घर चले गए, फिर आप अफतारी की वीडियो भी रह गई, फिर हम आप विवाद से शेयर भी नहीं कर सके कोई बात भी। आज हम दो दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं तो मेरी खुद की आंखों में जो है कचरा चला गया, मेरे से ना सूरज में आंख भाली भी नहीं जा सकती, इसलिए वीडियो आज भी बहुत ही बड़ी मुश्किल से बन रही है। तो मैंने कल जो है
आज सुबह गई थी बच्चों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग ईद के लिए की, तो वो अभी वहां से मैंने कहा शेयर कर लो, अभी बिस्मिल्लाह करती हूँ। बच्चे जो है सब कुरान पढ़ने चले गए हैं। आमना ना सुबह गई थी और वापस आ गई, ये उनसे पहले पढ़ कर आ गई, वो अभी चले गए हैं। तो अभी बिस्मिल्लाह, मुझे तो रोजा होता है इसलिए मैं सुबह गई थी पढ़ कर कुरान, मुझे तो वक्त ही आ गई थी। आप सुबह वो अभी चले गए हैं, कि उन्हें तो रोजा नहीं होता, वो बच्चे सुबह खेलते रहते हैं इसलिए। तो अभी बिस्मिल्लाह करते हूँ। ये ना सबसे पहले जो है मैंने अंबर इनका लिया है, ये अंबर इनका है फिराक, देखे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो दूसरे वाला ये वाला ना आमना का है, बहुत प्यारा है। ये भी इनका है, ये भी ये ना सानिया का है। मैंने तीनों की एक जैसे फिराक इसलिए ली है क्योंकि ये ताकि लड़े ना आपस में, ये लड़ती बहुत है ना, इसलिए मैंने इन तीनों के एक जैसे ले लिए। ये आमना का हो गया और ये अंबारी का। तो विवास माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक जो है औलाद का दुख किसी को भी ना दे। ये औलाद का दुख ना अंदर अंदर ही, चाहे बेटियां हों चाहे बेटे हों, उनके लिए तो बेटियां भी एक जैसे सारा दिन यहाँ काम करके, कभी भी सारा दिन कहता था मेरी बेटी अभी खेरी होगी, अभी वो कारी होगी। अल्लाह पाक ऐसा किसी उनकी क्या आई दे दिल में खुशी ना हो। तो यकीन मैंने कल खुद से ना मैं अंदर से सोच रही हूँ माँ बाप ईद कैसे गुजारेगा, तो बड़ी सी थी। तो अभी मियाँ साहब के मैंने लिए हैं, ये मुजम्मिल और मुदस्सिर का है, ये दुपट्टा है, और ये जो है कमीज है, गत्ते से ही खुद निकाल दिए। ये सानिया की है और ये मियां साहब की है, ये वाली मेरी है, ये मुजम्मिल की है, मुदस्सिर ने तो खुद मेरे ख्याल में पहन ली कल, ये आमना की है, अंबरीन की, अंबरीन की, ये अंबरीन की है। ये देखें सबके सबके है जूते, तो अभी इनको वापस पैक करते हैं आसानी।